हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे नए चैनल जगदेव टेक कैसल में। दोस्तों, मैं आज दिखाने जा रहा हूँ कि एक देसी मुर्गी मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, छोटे बड़े वैसे वगैरह सब रखा हुआ हूँ। और मैंने मतलब आपको दिखाना चाहता था कि मेरे एक देसी मुर्गियों को कैसे मतलब हैच किया जाता है, वो भी गर्मी के दिन में, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो गर्मी के दिन में ज़्यादातर क्या होता है, लोग मतलब एक घर में लेके छोटा सा थैली में कुछ अंडे रख देते हैं और उसके बाद उसको हैच के लिए एक मुर्गी को बैठा देते हैं जो कि तैयार होता है अंडे दे मतलब हैच करने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादातर अंधेरे में वो रख देते हैं और वो वेंटिलेशन वगैरह से ज़्यादातर अंडे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे मतलब गर्मी के दिन में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी यहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री से लेकर 42 तक रहता है अभी का टेम्परेचर ये। तो इस टेम्परेचर में देसी मुर्गी हैच होना बहुत प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, उसको अभी जो अभी तकरीबन 50 से 55 अंडे बिठाया हूँ और वो भी 5 मुर्गी के साथ, ठीक है। तो उन्होंने क्या होता है, अभी मतलब अंडे कुछ अंडे जो मतलब क्या होता है कि अंडे जो रहते हैं उसको मैंने उठाया नहीं, वही पे अंडे देते हैं, ठीक है। अंडे वही पे दे देते हैं और वही पे वो हैच करते हैं, जैसे फीफो मेथड में जो मतलब जो पहला अंडा दे रहा है वो पहले निकल रहा है, जो बाद में अंडा दे रहे हैं वो बाद में निकल रहा है, इस हिसाब से। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे अंडे होता है गर्मी के दिन में, आप कैसे अंडा बैठाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक अंडा बैठाया था, वो खुद अंडे दिए थे, मैंने बैठाया भी नहीं उसको, वो अपने आप बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 अंडे तकरीबन यहाँ पे 3, 3, 6, 10, 11, 12 अंडे हैं, इसमें कोई हैच हुआ नहीं, ठीक है। और थोड़ा देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ओ ओ ओ ओ गाइस देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अंडे अपने आप को अंडे दिए थे और उन्होंने हैच कर दिया है। अरे वाह, 3, 4, 5, 6 कुछ चूजे अभी बहुत छोटे हैं, निकल नहीं रहे, लेकिन उसको क्या कर रहा हूँ, वो एक दिन में 2, 3, 4, 5 चूजे निकाल लेते हैं, ठीक है, वही अंडे से। तो मैं क्या करता हूँ, उसको उठा के जो थोड़ा मतलब ज़्यादा गर्मी लेके माँ के गर्मी लेके वो थोड़ा रेडी हो जाते हैं, मैं उनको उठा के दूसरे मतलब मुर्गी जो अभी रेडी हुए हैं उनके पास छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो वो उसको हैच करके उसे अपने बना लेते हैं और वहीं पे वो तैयार कर देते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है मेरा डेली प्रोसेस होता है, ठीक है। मेरे दिन में 3, 4, 5 चीज़ें निकल जाते हैं। इसमें अंडे ज़्यादा ख़राब होने की गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है। ये मेरा जो चूजे हैं, मैं इसको लेके मेरा जो दूसरा मुर्गी मतलब अभी मतलब हैच हो चुके हैं उनको लेके वहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे 15-25 का चूजे रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा बड़े हो चुके हैं, ठीक है, इसे मैं निकाल देता हूँ, सॉरी निकाल देता हूँ। और बाकी ये रहे 25 चूजे हैं जो इसे बहुत छोटे हैं, तो उनको क्या करता हूँ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसको माँ को जो है ला के छोड़ देते हैं, ठीक है। अरे यार मैं तो गलती हो गया, फोन पे चूजा किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको ले के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। रख देने से मतलब वो दोनों होते हैं ना तो थोड़ा लड़ाई वगैरह कर लेते हैं, तो मैंने इसको पकड़ा के इसको इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि वो तो बच्चे में जो खड़ा है वो अपने
अपने आप रह जाए, ठीक है। मैं इसी तरह ही मैं कर रहा हूँ, जो बड़े बच्चे होते हैं और अक्सर निकल जाते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो रह जाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक प्रॉब्लम है, अगर ठंडे के दिन में आप ऐसा मुर्गी लाएंगे तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन गर्मी के दिन में कोई मुश्किल नहीं। अब ऐसे अंडा बिठा लीजिए और अपने आप वो निकल जाते हैं और जाके दूसरे मतलब मादा जो रहता है उसके पास छोड़ दीजिए, वो अपने आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए चीज़ें कैसे घूमते रहते हैं अपने आप। और जो नया बच्चा जो मैं ला के यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये अपने आप संभाल लेता है, ठीक है। तो देखिए आप नोटिस कीजिएगा, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत बड़े चूजे भी हैंगे और छोटे भी। देखिए ये जैसे ये थोड़ा बड़ा रहता है और बहुत से छोटे हैं, क्योंकि मैं दिन में दो तीन ला के छोड़ देता हूँ यहाँ पे। और इसमें अभी तकरीबन 5-15 तो थे और 3 कल छोड़ा था और आज वो शायद 5 या 6 तो छोड़ दिया, ठीक है। उस हिसाब से हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब गर्मी दिन हो तो ऐसा ही मतलब देसी मुर्गी को ऐसा बैठा लीजिए खुले से, आराम से वो आराम से हैच कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे अब थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे कोई मतलब ये नहीं, ठीक है। थैंक यू गाइस, वेलकम।